असलम दोस्तों, मेरे को तो आप फिर से होंगे। और यार आज मेरे पास नया प्रोजेक्ट आया, ठीक है। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं रह गया काफ़ी बिजी, तो ना ही वीडियो बना रह गया मुझे, तो इस वजह से बना नहीं पाया मैं। तो आज हमारे पास आया नया प्रोजेक्ट, तो ये यार शीशा, इसके अंदर ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है। ये पानी लगा के मैं इसलिए रखा है कि इसके ऊपर थी काफ़ी सारी डस्ट जमी हुई थी, ठीक है। तो वो कपड़ा शपड़ा वो खबा शबा मारूँगा ना तो ओके हो जाएगा। ये देखें, जैसे कि ये दाग है ना, ये सुर्खी पाउडर के ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। ये उसके लिए थे। तो बाकी हम करते हैं, इसके अंदर कोई शीशा भी ऐड करना है मैंने, क्योंकि इसके अंदर जोड़ लगाना है, क्योंकि कस्टमर की एक बार ज़्यादा वो नहीं थी, पेमेंट नहीं थी, तो इस वजह से नॉर्मल काम कर देना है, इसको अच्छा खासा कर देना है, ठीक है। इसके अंदर हम मजबूती भी कर देंगे, ठीक है। मजबूती ऐसे करूँगा, आपको दिखाऊँगा। अच्छा देखें या आप कैसे बनाता हूँ मैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये भी उसका अपना आ गया, ये भी उसका अपना था पीस, ठीक है। ये हमने जो नया लगाया है काट कर, ये वो पीस आ गया, और ये पीस ने लगा दिया हमने, ये कि रफ था काट कर हमने लगा दिया, ठीक है। इसका सिलिकॉन के साथ लगा दिया, अब यानी कि 2 से 3 घंटे पड़ेगा ये ऐसे, तो ओके हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये धागे की पमाइश लेके आया था बंदा, धागे की पमाइश के मुताबिक, धागे की पमाइश के मुताबिक मैंने इसको काटा है, काट के यानी कि मुकम्मल कर दिया, पूरी जो लेंथ है ना ये इस धागे के मुताबिक की है। बाकी कस्टमर जाने अपना खुद जाने आएगा, काट देंगे और
उम्मीद है बड़ा नहीं होगा क्योंकि उस हिसाब से हम पेमाइश कर लेते हैं, थोड़ा सा 200 तक कम ही हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा उसके लिए, बल्कि है 200 तक कम ही है ये। और लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूरत पाइएगा क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है।